हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर बेल्सलेस टॉप। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2.5 मीटर का फैब्रिक। इस टॉप को बनाने के लिए आप कोई भी वेवी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब हम मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर में ले रही हूँ 7 इंचेस का। आर्म होल भी मैं लूँगी 7 इंचेस। अभी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट पार्ट, तो चेस्ट पार्ट में ले रही हूँ 11 इंचेस का। आपका जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 2 इंचेस ऐड कर दीजिए सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से कमर की लेंथ है मेरी 15 इंचेस, तो वहाँ पर हम एक मार्क करेंगे। और हिप्स की लेंथ है मेरी 20 इंचेस, तो वहाँ पे भी मैं एक मार्क करूँगी। अब यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 10 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारी हिप्स की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 11 इंचेस। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। टोटल लेंथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे 25 इंचेस। तो इस पॉइंट को हम स्ट्रेट यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे। आर्म होल मैंने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5, तो वहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी। अब यहाँ से मेरा आर्म होल का कर्व शुरू होगा। तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले लूँगी यहाँ पे 4 इंचेस। और लेंथ में लूँगी 3 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हुए नेक ड्रॉ करेंगे राउंड शेप देते हुए। तो इस तरह से ये मैंने नेक ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारे मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, हमें इसे कट करना है। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से हमने 2 पीसेस फ्रंट और बैक के लिए कट कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे मैं एक मार्क करूँगी। अब यहाँ से हम स्लीव्स का शेप देंगे इस तरह से। और लेंथ में लूंगी यहाँ पे 10 इंचेस। यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 6 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम स्लीव्स का शेप देंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट करना है। अब यहाँ पे हम बेल स्लीव्स बनाने वाले हैं, तो उसकी कटिंग देख लेते हैं। फैब्रिक को मैंने फिर से 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी और इस तरफ से भी 1 इंच पे मार्क करूँगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम राउंड शेप बनाएंगे। अब यहाँ से लेंथ में लूँगी 5 इंचेस और यहाँ से भी मैं 5 इंचेस पे मार्क करूँगी। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट लेयर और यहाँ से भी मैं 5 इंचेस पे मार्क करूँगी। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम राउंड शेप बनाएंगे। तो इसे हमें कट कर लेना है। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। तो इस तरह का सर्कल मैंने कट कर लिया है। अब हम दूसरी लेयर कट करेंगे। तो फिर से मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा हुआ है और मैं 1 इंच पे इस तरह से फिर से मार्क करूँगी। और यहाँ से हम लेंथ लेंगे 7 इंचेस, तो 2 इंचेस में ऐड करते हुए 7 इंचेस का लेयर बनाऊँगी। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड लेयर। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम राउंड शेप बनाएंगे।
तो हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने सेकंड लेयर भी कट कर लिया है। अब इसी तरह से मैंने थर्ड लेयर भी ड्रॉ कर ली है, ये है हमारी 9 इंचेस की। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर मैं स्ट्रिप को उल्टा रखूँगी। तो ये मैंने नेक के शेप का ही स्ट्रिप कट किया हुआ है, उसे हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से यह जो हमारा बैक का पार्ट है उस पर भी हम स्ट्रिप रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम नॉचेस लगाएंगे। तो आपको इस तरह से हल्के हाथों से नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इसी तरह से आपको दोनों नेक तैयार करने हैं। ये देखिए हमने नेक प्रिपेयर कर लिए हैं और ये मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर दूसरा पार्ट मैं उल्टा रखूँगी और दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। ये हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर स्लीव्स को उल्टा रखना है और इसे दोनों तरफ से सिलाई लगाते हुए हम स्लीव्स की फिटिंग करेंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव्स को ज्वाइन करना है। देखिए हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है। अब हम फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई में यहाँ पर लूंगी 4.5 इंच। यहाँ पे चेस्ट पार्ट में लूंगी 19 इंचेस का। और इस तरफ भी मैं स्लीव्स की चौड़ाई लूंगी 4.5 इंच। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे और यहाँ से मैं बस 1 इंच के डिस्टेंस पे सिलाई लगाऊंगी नीचे तक। तो मैं इसकी फिटिंग लूज ही रखूंगी। तो यहाँ से मैं 1 इंच के डिस्टेंस पे सिलाई लगाऊंगी नीचे तक। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगा के फिटिंग करनी है। देखिए हमने इसे फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम बेल स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो मैंने राइट साइड पे प्लेस किया हुआ है जो हमारी सबसे बड़ी वाली लेयर है, उसके ऊपर हमें ये जो मिडल वाली जो लेयर है उसे हम प्लेस करेंगे। और इसके ऊपर में सबसे जो छोटी वाली लेयर है उसे रखूंगी और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के हम तीनों को यहाँ पे जॉइन करेंगे। इसी तरह से मैंने दोनों स्लीव्स के लिए इस तरह से तैयार किया हुआ है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स आएगी। तो हमें इसे जॉइन करना है स्लीव्स के साथ। तो इसकी ब्रॉडनेस और इसकी ब्रॉडनेस हमें मैच होनी चाहिए। तो देखिए ये हमारा राइट पार्ट है और इस बेल को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और दोनों को मिलाते हुए हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा के जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले हम पिन करेंगे। इसी तरह से पूरी लेंथ में मैं पिन करूंगी।
तो ये देखिए हमने पिन कर लिया है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसे ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स में भी ज्वाइन करना है। तो ये देखिए हमने बेल स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हम लास्ट में नीचे की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो इसे हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। इसी तरह से पूरी लेंथ में डबल फोल्ड करेंगे। और ये जो हमारी रोएजिस है उसे भी हम डबल फोल्ड कर सकते हैं या फिर आप पिको भी कर सकते हैं। तो तीनों लेयर में आपको ये देखिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ये हमारा बेल स्लीव स्टॉप बिल्कुल तैयार है। सो गाइस, तैयार है हमारा बेल स्लीव स्टॉप एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।